डे 17 30 डेज 30 फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स पीएनजी फाइल क्रिएट। सबसे पहले हमें लेयर की कॉपी क्रिएट कर लेनी है। उसके बाद आप यहाँ पे ऑप्शन देखोगे क्विक सिलेक्शन टूल का, वहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो सबसे ऊपर जो ऑप्शन है ऑब्जेक्ट सिलेक्ट टूल का, आपको वो सिलेक्ट कर लेना, या तो आप शॉर्टकट की W यूज कर सकते हो। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको एरिया सिलेक्ट करना है कि कहाँ तक का आपको सिलेक्शन चाहिए, ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेगा। सिलेक्ट हो जाने के बाद आपको ऊपर दो ऑप्शन दिखेंगे, सिलेक्ट एंड मास्क, आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे जो व्यू का ऑप्शन है उसके बाजू में जो एरो आपको वहां पे क्लिक करना और रेड के ऊपर क्लिक कर देना, जिससे आपको पता चलेगा कितना एरिया हमने सिलेक्ट किया है रिमूव करने के लिए। यहाँ पे फेदर है जो हम थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं, कटिंग को सॉफ्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कंट्रास्ट इंक्रीज कर सकते हैं, उसके एजेस को हम स्मूथ कर सकते हैं जो काफी रफ होते हैं उसको हम स्मूथ कर सकते हैं, यहाँ से थोड़ा सा स्मूथनेस और इंक्रीज कर देते हैं। ये हो जाने के बाद आपको सिंपली ओके कर लेना है। मैं जल्दबाजी में दिखा रहा हूँ, बट आप ये जितना अच्छी तरीके से करोगे आउटपुट उतना अच्छा मिलेगा। आपको सिंपली यहाँ पे फिर कंट्रोल जे कर देना है। नीचे वाली दोनों लेयर्स को हमें बंद करके पीएनजी में सिंपली हम सेव कर लेंगे। उसके बाद हम ये पीएनजी फॉर्मेट को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। सिंपली पीएनजी में सेव करने के लिए हम फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट एस। सिंपली यहाँ पे फॉर्मेट हमसे पूछेगा, फॉर्मेट हमारा ये रहा पीएनजी का। यहाँ पे रेजोल्यूशन पूछेगा, आप सिंपली इसको यहाँ एक्सपोर्ट करके पीएनजी में सेव कर सकते हो।